संपत्ति विवाद के चलते बड़े भाई ने बेटी के साथ मिलकर छोटे भाई और उसके बेटे को बुलेरो से कुचल दिया, जिससे छोटे भाई और उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद बड़े भाई का बेटा फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर उसके अवैध बने घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। ये घटना सिंगरौली की है, जहां पारिवारिक हिस्सा बंटवारा को लेकर इंद्रभान गुप्ता और उसके छोटे भाई केशव गुप्ता में विवाद था। विवाद इतना बड़ा कि छोटे भाई केशव बड़े भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली जा रहा था। इसी दौरान इंद्रभान ने अपने बेटे अजय के साथ मिलकर छोटे भाई और उसके बेटे पर बुलेरो चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया, जिससे बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस घटना के बाद आरोपी अजय फरार हो गया और उसके पिता इंद्रभान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस बीच आरोपी इंद्रभान के घर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। अपनी पुल के पास में एक घटना घटी है, संभवतः वो हत्या की। इस तरह की जानकारी थाने को में तत्काल टीआई और उसकी टीम मौके पहुंची। मौके पर जो जानकारी ली गई, उसमें निकल के आया कि गुप्ता परिवार के लोगों के बीच में जो आपस में सगे रिश्तेदार लगते हैं, एक भाई और भतीजे से उसका विवाद चल रहा था। इसमें एक अजय गुप्ता और इंद्रभान गुप्ता जो बाप बेटे हैं दोनों, इनका विवाद उनके भाई से और उनके भतीजे के साथ चल रहा था उनके घर के पीछे की तरफ। उसके बाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उनने जो मृतक पक्ष थे वो रिपोर्ट करने के लिए बैठन की तरफ जाने लगे। क्या कि तो तुम पैसे हमारे नहीं दे रहे हो, तुम जा रहे रिपोर्ट करने के लिए। तो इधर से जो अजय गुप्ता है, इसने बुलेरो निकाली, उसके पिता ने बोला कि चढ़ा दो मार दो करके, तो उसने जाके बुलेरो से टक्कर मारी। चश्मदस्सी जो साक्षी थे उन्होंने देखा घटना इस तरह से हुई है कि उस टक्कर मारी। उसके बाद बुलेरो वापस पलट के आई और वापस उसने यू टर्न लिया और दोबारा फिर टक्कर मारी। घटनास्थल पर खड़े साक्षी ने इस घटना को देखा तो तत्काल पुलिस को बताया था। आरोपी घटना करके भाग गया है और पुलिस इसकी लगातार पतासाजी कर रही है। साथ में प्रकरण के जो पंजीबद्ध है वो मौके पर ही किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई पुलिस कर रही है, शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेंद्र सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।